अभी जैसे कि हम अरुणाचल नर्सिंग स्कूल में हैं, हॉस्टल में, चलिए यहाँ के स्टूडेंट से जानते हैं यहाँ उन लोग किस तरीके के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपका नाम? Good afternoon. Firstly, I'd like to introduce myself. My name is Geeta Kena and I'm a third year student. And आज हम लोग में इतना हंगामा हुआ है, अभी आप लोग जो आया है, इसका रीज़न क्या है बोलने से, हम लोग का हॉस्टल में प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग का लिमिट से ज़्यादा हो गया। वी हैव बीन राइटिंग इनोमस applications to the directorate of medical education, to our principal, for enormous reasons for logging of the water in our room and dripping roof and last जो हुआ था उसमें हम लोग एप्लीकेशन उसमें 3 weeks back दिया था, approximately 17 days हो गया। तो उसमें ऐसा हुआ था कि हम लोग हर समय तो लिखता रहता पानी के लिए, सब के लिए, और इतना बाथरूम्स है उसमें, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, एवरीथिंग। तो इसमें प्रॉब्लम 17 days back हुआ था कि हम लोग एप्लीकेशन लिखा था जिसमें सबको इंक्लूड किया, प्लस उन्होंने वाटर क्लॉगिंग जो हम लोग का एंकल लेंथ तक हो गया था रूम में, तो हम लोग का रूम में इतना प्रॉब्लम होता था, और रूम तो है कि फुल्ली ओवरक्राउडेड है। हम लोग है जो हॉस्पिटल में बोलते हैं कि वेंटिलेशन चाहिए, ओवरक्राउडिंग नहीं होना है, पर हम लोग ही है जो एक रूम में, थर्ड ईयर में हम लोग अभी है, हम लोग 88 गर्ल्स बैठ रहे हैं एक रूम में, तो इतना प्रॉब्लम होता है। तो उसके बाद ऐसा होने से हम लोग को 2 ऑप्शन ये है कि 7 days में हम लोग को बोला है कि हम लोग का रूम को एलिवेट कर देगा तो उससे पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा, और सेकेंड है कि हम लोग को मेन ड्रेन बना देगा जिससे कॉलोनी का पानी से हम लोग को जो क्लॉगिंग होता है वो नहीं होगा। और हम लोग क्लॉगिंग भी पानी कौन सा पानी होता था, ड्रेन का पानी, इतना गंदा मद्दी वाटर, जितना साफ़ करने से भी नहीं जाता है, ऐसा था। तो उसके बाद हम लोग ने उसमें हम लोग फोर्सफुली अपोज किया था और एप्लीकेशन लिखा था, तब हम लोग को ये सोल्यूशन दिया था, या फिर हम लोग को अल्टरनेटिव मिला था कि शिफ्ट कर देगा, और शिफ्ट कर जो करेगा वो बिल्डिंग भी ऐसा था कि हम लोग को कुछ भी एक भी कंफर्म से नहीं बोला कि ये आप लोग को मिलेगा। तब हम लोग को लास्ट में जाके बोला कि अभी जो पुलिस बैरक है हम लोग आज सुबह जो देख के आए उसमें मिलेगा, पर उसमें भी कितना, अभी हम लोग का जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसमें 2 days से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसका वजह अभी हम लोग चाहते हैं कि 95 जितना हम लोग का स्टूडेंट है सबको हम लोग को शिफ्ट करो, तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ 26 स्टूडेंट को शिफ्ट करेगा। क्यों हमने जैसे कि आपने बोला कि आप लोग ने जो रिटर्न में दिया था जो विद इन 7 days आप लोग शिफ्ट कराएंगे और जो वाटर लॉगिंग जो भी होता है उसको ठीक करवाएंगे, तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि जो बैरक में 26 स्टूडेंट्स को ले जाएंगे, तो स्पेसिफिकली ये स्टूडेंट्स के ईयर्स के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से है ना, चुन के ले जा रहे किस तरीके से? ओनली द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी आप लोग एज ए होल आप क्या मतलब डिमांड या अपील करना चाहते हो? हम लोग अपील करना चाहते हैं कि एक हॉस्टल हो, एक प्रॉपर हॉस्टल हो जो हम लोग को फर्स्ट ईयर से कभी नहीं मिला। हम लोग अभी थर्ड ईयर में है तो हम लोग जब से एडमिशन हुआ है, और हर साल हम लोग पहले भी जैसे बताया है कि हर साल हम लोग नर्सेस डे मनाते हैं, हर साल हम लोग को प्रॉमिस होता है, हम लोग यहाँ में आए, हम लोग मानता है आए हैं ना, लेट जमदे केना आया था मिनिस्टर, और उसके बाद फर्स्ट ईयर में करिया बागंग मैडम आया, वो लोग हम लोग को बोला है कि मिलेगा, देगा, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप जैसे कि आप बीइंग मतलब थर्ड ईयर के स्टूडेंट, आप ये कहना चाहते हो कि जितना भी अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स आपके यहाँ पे नर्सिंग डे में आके जो प्रोमिसेस किया था वो हर चीज़ जो फॉल्स है? जी। तो अभी एज ए होल आप क्या अपील करना चाहते हो कि अभी क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे सिक्योरिटी का भी कहना था कि एक ही सिक्योरिटी चौकीदार है, तो 94 स्टूडेंट्स के बिहाफ में आप कुछ कहना चाहते हो कि जो इमीडिएट होना चाहिए? हम लोग का अपील ये है कि इमीडिएट शिफ्टिंग होना है हम लोग को, हम लोग को एक ऐसा जगह जाना है कि हम लोग को सेफ मिले, और अभी जो हम लोग को ऑप्शंस दे रहे हैं इतना दूर, कोई सिक्योरिटी नहीं है, नाइट ड्यूटी में जाना होगा, इतना प्रॉब्लम है पानी, और अभी जो हम लोग का पानी का प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है, रास्ता में इतना ज़्यादा क्लॉगिंग है, आप तो देखा होगा भी अभी जो हॉस्टल मिला है, और उसमें भी ऐसा है कि हम लोग को जब बताया था तो बोला है कि 2 दिन में वहाँ का शिफ्टिंग हो जाएगा, वहाँ जो पहले ऑलरेडी बैठ रहे, तो आज हम लोग का वन ऑफ द ओनर से हम लोग बात किया है, तो वो लोग हम लोग को बताया कि वहाँ का पानी का इतना तकलीफ़ है, पूरा कॉलोनी का कचरा वहाँ आता है, ऊपर से वो लोग को कोई लेटर ही नहीं मिला, जबकि हम लोग को बोला है कि हम लोग को DME से बताया गया था कि 2 days में वो लोग को शिफ्टिंग का लेटर दिया है, पर नहीं, वो लोग बोला है कि वो लोग को कोई लेटर नहीं मिला है, और वो लोग जो जल्दी शिफ्ट कर भी नहीं पाएगा। चलो, रेनी सीजन हो रहा है, आप लोग को यहाँ हॉस्टल्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बिसाइड दैट आपका जो डे टू डे जो स्टडीज में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है?
फर्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हो रही वो सुबह 8 बजे से लेके रात का 10-11 बजे तक डेफिनिंग साउंड होता है उसका, बुलडोजर्स का डिगिंग द मड, अभी जो वो लोग क्लियर कर रहे हैं मड, तो उससे इतना प्रॉब्लम होता है. और इतना हम लोग का ऐसे है कि हम लोग को रहने दे के भी, हम लोग के साथ में भी हुआ है, फ्रेंड्स रह रहा था रात को, कंस्ट्रक्शन वाला लोग काम कर रहा था कि वो वॉल में क्रैक आ गया, वॉल से सीमेंट गिर रहा है, ऐसा प्रॉब्लम होता है. ऐसे में हम लोग सो भी नहीं पाते हैं, इवन नाइट ड्यूटी के बाद नेक्स्ट डे आता है कि सो ही नहीं पाते, तो पर कैसे पाएगा मैम. अभी जैसे कि हमारे साथ है एक पेरेंट्स जो कि उनके बेटी यहाँ पे पढ़ते हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ आके उनको कैसा लग रहा है कि अपने बेटियों को प्रॉब्लम में देख के. गुड आफ्टरनून सभी व्यूअर्स को. मैं पेरेंट्स का तरफ से बहुत ही दुख भरी कहानी लेके यहाँ पे आया हूँ आज, क्योंकि मेरा बेटी भी यहाँ पे है, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो गया अभी. जब से यहाँ में आया है 2014 से लेके आज तक, इन का हॉस्टल में जितना बच्चा भी है ना, जितना बच्चा लोग का साथ में प्रॉब्लम हर दिन होता है, फिर भी हम लोग कभी भी पेरेंट्स लोग वो हम लोग का बच्चा लोग का प्रॉब्लम को हम लोग लेके प्रिंसिपल के साथ नहीं गया है. क्यों बोलने से वो लोग ऑथोरिटी, हायर ऑथोरिटी, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग का पास बनता है, वो लोग का फर्ज बनता है, ड्यूटी बनता है कि वो लोग हर स्टूडेंट को सब फुलफिल कर दे जितना भी प्रॉब्लम है ना. फिर भी आज तक सुना है मेरा बेटी फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर, अभी फाइनल ईयर हो गया, फिर भी आज भी एक भी चीज़ उनका तरफ से कुछ सॉल्यूशन में नहीं लाया, जितना भी प्रॉब्लम है ना. तो आज इस स्थिति में आ गया है कि पेरेंट्स लोग ही अभी हम लोग मैंने धरना करना पड़ रहा है. आज धरना टाइप का हो गया, मीन्स ये बच्चा लोग का लाइफ का रिस्क सवाल हो गया ना. तो हॉस्टल ही कोलैप्स होने का है. अभी रात को इतना बारिश गिरा है यहाँ में, तो अभी मानसून सीजन है, पूरा हॉस्टल जो है तालाब बन गया. आप लोग कैमरामैन को लेके आप लोग हॉस्टल में सर्वे कीजिए, देखिए कंडीशन किस हालत में ये बच्चा लोग रह रहा है, किस कंडीशन में रह रहा है ना. बारिश आता है जोर से ना, तो यहाँ में पूरा बारिश फ्लड जैसे आ जाता है, इधर तक भी आता है ना, और रूम का उधर में कभी कभी चला जाता है ना, ज़्यादातर ऐसे ही होता है. और ये हम लोग का डॉर्मेट्री का ये वो है ना, और आगे भी लोग रूम रहेगा, पानी नहीं आता है ना, बाथरूम तो है, पानी अवेलेबल नहीं होता है. तो हम लोग जो जब बारिश आता है तभी हम लोग बारिश का पानी लेके हम लोग यूज़ करते हैं ना. और दीदी हम लोग का बाथरूम है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता है ना. और यहाँ पे टोटल 95 स्टूडेंट है ना, वो हम लोग ये बाथरूम को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बाथरूम में पानी तो एक बूंद भी नहीं आता है. यहाँ में एक कभी कभी सिर्फ आधा घंटा एक सब आ जाता है ना. और यहाँ में है दीदी, ये नहाने के लिए बाथरूम है ना, यहाँ में नहाने के लिए टोटल 5 बाथरूम है, और टॉयलेट भी टोटल 5 है ना. लेकिन हम लोग नहाने जहाँ बाथिंग बाथरूम है वहाँ में हम लोग नहाता ही नहीं, क्योंकि वो ब्लॉकेज है ना, और यहाँ में तो पानी ही नहीं आते और ब्लॉक भी हो जाते. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टॉयलेट बाथरूम में कुछ रास्ता उपाय नहीं हो गया, हम लोग टॉयलेट बाथरूम में नहाना पड़ता है ना, वो भी बाहर से पानी से ही नहाना. और हम लोग वहाँ से बाहर से पानी लेके हम लोग वो करते हैं, यहाँ में ले आके हम लोग यहाँ में नहाते हैं ना, ज़्यादातर से भी टॉयलेट में ही नहाते हैं. और दूसरा उपाय है दीदी, ये देखिए आप ब्लॉकेज को भी अभी देख सकते हैं, ये तो पूरा ब्लॉकेज है, हम लोग इसको सफा करते रहते हैं ना, यहाँ का पानी उतार के हम लोग पेटते पर भी नहीं होता. और हम लोग का यहाँ में तो अच्छा कपड़ा सुखाने का कंफर्म भी नहीं है, तो हम लोग को उपाय नहीं हो गया, यहाँ में कपड़ा सुखाना पड़ता है. और जब अगर अचानक लाइट एक दो दिन नहीं आ गया, मतलब हम लोग को पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, पानी पीने के लिए भी नहीं होता है, हम लोग बाहर से खरीद के पीना पड़ता है ना, वो भी दीदी से बाहर बोल के. और दीदी जब ज़्यादा पानी आने से ये दोनों पेट का हालत खराब हो जाता है, यहाँ में पूरा नीचे में बारिश पानी आ जाता है, वो बाथरूम से आ जाता है ऊपर में. और ऊपर दीदी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी पानी बहुत आता है. जब हम लोग दीदी पड़ रहा होता है ना, हम लोग यहाँ बैठ के पड़ रहा होता है, बारिश अचानक ज़्यादा होने से हम लोग डर लगता है, कहीं ये गिर ना जाए. उस दिन भी ऐसे कुछ तांडरिंग होने से हम लोग और डरता है, क्योंकि तांडरिंग होने से ये भी हिलता है ना, ऊपर का तीना लोग तो पूरा उड़ने वाला होता है, वहाँ में भी तो पहले उड़ गया था ना, जिसके कारण हम लोग का पढ़ाई में भी इफेक्ट हो रहा है. और हम लोग का यहाँ में क्या होता है दीदी, एक्चुअली वेंटिलेशन अच्छा नहीं होने के कारण हम लोग का कोई कोई डिशेज में भी फेल रहा है ना अभी. देट इज अभी हम लोग बोलने रहे, हम लोग मेडिकल में पेशेंट लोग का साथ हम लोग जिसका कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उन लोगों के साथ हम लोग डील करते हैं ना, वहाँ से भी हम लोग को लग के आ ही जाते हैं. अच्छा तो वेंटिलेशन है नहीं, विंडो खोलने से तो मच्छर आ ही जाते हैं, पानी तो फैसिलिटी होता ही नहीं, तो हम लोग को भी हाथ धुलाने नहाना तो पड़ता ही है. ऐसा कारण कोई कोई हम लोग को अभी यहाँ में भी बीमार फैल गया ना दीदी. ये फर्स्ट ईयर यहाँ में टोटल 10 लड़की बैठते हैं ना दीदी. और यहाँ में ऐसे है कि अच्छा सबसे पहले तो अच्छा वेंटिलेशन नहीं है ना, और फिर से यहाँ में हम लोग को टेबल प्रोवाइड करेगा बोल के फिर से अभी तक प्रोवाइड नहीं किया. हम लोग अक्टूबर से है, अभी हो गया जून ना,
हम लोग को अभी तक टेबल प्रोवाइड नहीं मिला है. कोई कोई को तो मिला है ना, एक दो तो, लेकिन कोई कोई को फर्स्ट ईयर ज़्यादातर नहीं मिला है. हम लोग के पास टेबल नहीं है बोल के हम लोग कार्टन से ऐसे बना के टेबल यूज करते हैं. यही है. और दीदी मेन तो यहाँ में भी जब हम नहा यहाँ में भी दीदी पानी पूरा ब्लॉक होता है, उसका भी हम लोग पानी उठा उठा के पीते हैं. वहाँ में तो क्या ड्रेनेज अच्छा से बनाया ही नहीं, क्या ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं. Regarding the loopholes in the campus? Yes, this is an this school and hostel has been established since 2014. And since then, there is some problem with the hostels regarding the drainage, then the infrastructure. Since it's an old PWD building, which the school is running on the basis of makeshift basis. So for that, there is a lot of problem with the water connections, and then the rooms are very congested. And because of that old building, there is the damp and the area, how it should be as per the Indian Nursing Council, it is not there. And right now, since there is the medical construction, medical college is going on, so there is a little earth cutting in the sides. So because of that, last night also there was erosion of the area, especially the third year block where the students are there. So because of that, the students were very much fearful. And of course, it's a matter of security, because if something happens, naturally there'll be a trouble, and it is a loss for the society, the parents as a whole. So because of that, and today being Saturday, it's a parents visiting day. So we have not called any parents, but then students out of fear, because last night I told them to sit in the classrooms, because since it was already the landslide was there, there was the fear that the building will collapse. So I asked them to stay in the classrooms where we have three classrooms to sit for the night. क्योंकि इतना यहाँ आप इतना साल से देख रहे प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपने उसको आप ऑलरेडी आपने बता दिया कि प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसको सॉल्यूशन लाने के लिए आपने ट्राई किया नहीं है? So see, as a principal, I'm not a designated principal also. I'm just an assigned principal. Okay. So I don't have any power in my hand. So for, as a point, as a principal, I have been writing to the director of medical education regarding these problems many a times. So all the documents are there. But then from the higher authority, when things are not, then I'm helpless. Okay. So from my point of view, whatever I am able to help out, especially a little bit things what is being managed. So initial year, maybe hum log to ek saal to hostel hi nahi tha. So there also we are somehow our school se students se paisa uta ke hum log hostel chalaya. But later on we got this building, but then security ka bahut problem hai. Ek hi night chowkidar hai for 94 students. And three shifts में तो बेचारा कर ही नहीं सकता है. Only two cooks are there. So वो भी problem है. There are so many problems. So ma'am, right now the problem is water logging and water scarcity in hostel. So what step you have taken, and what's the government's responses on this? Till now the government also, they are the higher authority. I heard director and higher authorities, they are running after files for the sanction of some money for the construction, because those things they do. I don't do anything with that. And whenever possible, we are helping each other to log out all those water which is inside. Now also, yeah, that's a fact that cannot be hidden, because all the bathrooms are leaking, all the rooms are leaking, all the walls are damp. And sometimes whenever we complain from the PWD, sometimes they come and try to make it. But then since it's an old building, it cannot be foolproof, cannot be made properly. So the real need is that immediately it has to be shifted. This girls' hostel has to be shifted the school. It's not only a matter of girls' hostel. It's even in the school, the classes are all leaking. The bathrooms, principal's bathroom is leaking. The faculty rooms are leaking. So, we are pursuing the higher authorities. But from my end, I don't see anything, because I don't have any money even to shift these students as such. So it's I'm only in the administration part helping this. So all the management and the monetary management things are being done by the higher authorities. So I don't have anything right now. I can't see anything. So can you, ma'am, can you say that it is ignorance of the medical department or a higher department? That ignorance as such, I cannot directly say. But then of course it's been 4 years. Things are being informed to them. And directly things are not being done till now, in spite of one group being passed out this year, again another group will pass out from this school.
But then it's not unknown to them. They know it. And what they are doing, they themselves will be able to tell you. Because I cannot say directly that they are ignoring. From their end also, they may be trying their best.